guys, welcome to my channel. I'm Aarchi and today I'm doing a get ready with me video. Actually, I was getting ready for my friend's wedding, so I thought why not make a video. So if you guys want to know how I have created this look, then keep on watching this video. In this video, I'll show you some tips and tricks how you can get ready on your own if you have to attend any of the friend's wedding or any wedding function. So let's get started. So first thing, I will use this pore minimizer. It's from Benefit Cosmetics. I'll apply it all over my face. I have already moisturized my face. It's a very good primer. If you have open pores, you can use any of the primer, whatever suits your skin type. Now I'll start with my eye makeup. For eye makeup, I'm using a trick. You have to apply a tape. आप कोई भी डॉक्टर टेप या कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं. टेप आपको आईज के एंड से लेके आपके आईब्रोज के एंड तक अप्लाई करना है. इफ़ यू वांट एनी लाइक विंग टाइप आईलाइनर लुक, या फिर आपको कट क्रीज वाला लुक चाहिए, कैट आई मेकअप लुक चाहिए, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई एम अप्लाइंग कंसीलर ऑल ओवर माय लिड. आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं. कंसीलर के लिए मैं अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ. इसको अप्लाई करने के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. अब मैं ये लाइट ब्राउन शेड यूज़ करने वाली हूँ. इसके लिए मैंने एक फ्लफी ब्रश यूज़ किया है और इसको हम आईब्रोज के आईज के क्रीज एरिया पे अप्लाई करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे. अब मैं एक डार्कर शेड ले रही हूँ. इसको हम आईज के कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे और एक वी शेप क्रिएट करेंगे और दोनों शेड्स को अच्छे से ब्लेंड करेंगे जस्ट ऑन द कॉर्नर ऑफ द आईज. इसको अच्छे से ब्लेंड करना जरूरी है. अब मैं थोड़ा सा अपनी आईब्रोज को हाईलाइट कर रही हूँ एक लाइटर ऑफ वाइट शेड से. नाउ आई एम यूजिंग दिस कंसीलर फ्रॉम मेबलिन. कंसीलर को यूज़ करके हम एक कट क्रीज लुक देने वाले हैं. इस कंसीलर को मैं एक फ्लैट ब्रश से अपने हाफ आईलिड पे अप्लाई करूँगी. अगर आप कोई शिमरी शेड यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. आप पहले कंसीलर अप्लाई कर लीजिए, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज वो एकदम स्मूथ लुक लगना चाहिए. अब मैं ये गोल्डन ग्लो ऑफ वाइट शिमरी शेड यूज़ कर रही हूँ, जिसे हम उस एरिया पे लगाएंगे जहाँ पे हमने कंसीलर यूज़ किया है. इससे कलर थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिखेगा. मैं थोड़ा आईज के कॉर्नर को भी हाईलाइट कर रही हूँ. अब मैं ये डार्कर शेड यूज़ करूँगी. अगर आप कॉर्नर पे आईज के वी शेप में कोई भी डार्कर कलर यूज़ करते हैं तो आईज मेकअप को एक डेफिनेशन मिल जाता है, बट दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है. एक स्मूथ लुक लगना चाहिए. दोनों शेड्स को अच्छे से मर्ज करेंगे हम ब्लेंड करके. यहाँ हम विंक आईलाइनर लगाने के लिए मैं दोनों आईज पे विंक आईलाइनर लगा के आपको दिखाती हूँ. दिस इज द फिनिश लुक ऑफ माय आई मेकअप. अब हमें सिर्फ मस्कारा लगाना है एंड माय आई मेकअप विल बी डन. देन वी विल स्टार्ट विद फेस मेकअप. फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग मेबलिन हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा. मैं इस मस्कारा के दो कोट लगाने वाली हूँ बिकॉज मैं फेक आईलैशेस यूज नहीं करने वाली हूँ. आई नॉर्मली डोंट लाइक अप्लाइंग फेक आईलैशेस, बट अगर आप फेक आईलैशेस लगाना पसंद करते हैं तो आई मेकअप और भी अच्छा लग सकता है. नाउ आई स्टार्ट विद माय फेस मेकअप. आई एम यूजिंग दिस मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन NC20.
इसको अप्लाई करने के लिए मैं अपने बैक ऑफ द हैंड थोड़ा सा फाउंडेशन लूँगी और हम इसे एक डैब स्पॉन्ज से अप्लाई करेंगे। स्पॉन्ज को पहले पानी में थोड़ा गीला करके स्क्वीज कर लें ताकि वो आपके प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब ना करे, और हम इसको अच्छे से डैब करके ब्लेंड करेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। नाउ आई एम यूजिंग दिस कंसीलर, अगेन सेम मेबलिन कंसीलर, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर। कंसीलर अप्लाई करने के लिए मैं अपनी फिंगर्स यूज करने वाली हूँ, बिकॉज हमने आई मेकअप पहले किया है सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज हमारा लाइनर का शेप ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हमें बहुत आराम से इसको धीरे से ब्लेंड करना होगा, और एक स्मूथ फिनिश लुक दिखाने के लिए हमें इसे प्रॉपरली ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। इस कंसीलर को सेट करने के लिए हम यूजिंग मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर फाउंडेशन। कंसीलर को हम सेट करेंगे पाउडर से। नाउ आई विल डू कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए आप कोई भी आपकी स्किन टोन से एक डार्कर शेड यूज कर सकते हैं। इसको हम अपने चीक बोन्स के नीचे और अपने जो लाइन के नीचे, अगर आपकी डबल चिन है, आप अपनी नोज को अगर शार्प दिखाना चाहते हैं तो कॉन्टोर करना ज़रूरी है। फोरहेड पे, जहाँ भी आपके फेस पे आपको कॉन्टोर करने का ज़रूरत है, आप वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। इससे आपकी नोज थोड़ी शार्प लगती है। इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, सो आई एम ब्लेंडिंग इट प्रॉपरली बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी हार्श लाइन्स। नाउ आई विल यूज दिस ब्लश फ्रॉम लैक्मे। इसमें आपको दो शेड्स मिल जाते हैं, वन इज पिंक एंड वन इज ऑरेंज। मैं दोनों शेड्स यूज करने वाली हूँ। ब्लश अप्लाई करने के लिए यू हैव टू जस्ट स्माइल एंड अप्लाई इट ऑन द एप्पल ऑफ योर चीक्स। मैंने इस मेकअप के लिए दो लिप कलर यूज किए हैं, वन इज फ्रॉम मेबलिन 530 नंबर, इट्स अ रेड कलर लिपस्टिक, एंड द सेकेंड वन आई हैव यूज इज फ्रॉम लैक्मे 925 रेंज, अगेन अ रेड कलर लिपस्टिक। दिस वन इज बिट डार्कर देन द प्रीवियस वन। मैंने लिपस्टिक का शूट नहीं किया बिकॉज मेरे कैमरे की बैटरी ऑफ हो गई थी, सो आई विल शो यू गाइज द फाइनल लुक ऑनली, बट आई विल लिंक डाउन ऑल द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जो लिप लाइनर मैंने इस मेकअप के लिए यूज़ किया है, दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम लैक्मे, परफेक्ट डेफिनेशन लिप लाइनर। सो दिस इज द फाइनल लुक। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।